ओ मम्मी ले लो फिर मैं जाऊँ। उसको बोल के गई इधर से भी फूटा हुआ, इधर से फूटा, इधर से। अब फेकर मोल चपटा चटिच कर दूंगा चुहिया रानी को। अब वहाँ से गिरेगा फिर तेरे पापा हमको मारेंगे। कौन देखता है मेरे वीडियो बढ़वाने से? चुहिया जैसी आ गई वो पापा। बाय, मैं जा रही मामा के घर। बीच बीच में ही और सादरे बात फाइट हो जाए। फाइट हो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो फिलहाल अभी 10:10 की देरी है और अभी तो आज का कुछ सीन चेंज ही हो गया, सुबह सुबह से चेंज हो गया। सुबह सुबह से पूजा का फ़ोन आ गया, बोले कि मेरे को लेने के लिए आ जाओ। वो इस वजह से उनके घर में माता जी आ रहे और वो अच्छी नहीं है, उसको लेने जाना पड़ेगा। और बहुत दिन से मैं सोच भी रहा था पूजा को लाने का, माता को लाने का। मैं पूजा और माता की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी तो सोच भी रहा था मैं पूजा और माता को लाने का कि कब आएंगे कब आएंगे कब आएंगे। तो फाइनली जो चीज़ सोचते वो हो ही जाती है। तो फिलहाल आज पूजा और माता को अभी लेने जाएंगे। सबसे पहले तो मैं वीडियो एडिट कर लूँगा, फिर अदिति पापा का टिफिन पैक कर रही है, खाना बना रही है, तो खाना बन जाएगा, फिर पापा को टिफिन दे देंगे, फिर टिफिन देके सीधे उधर के उधर निकल जाएंगे पूजा को लेने के लिए और पूजा को लेके आ जाएंगे। माधव का एक साधन करना पड़ेगा भैया मेरे को। ये चीज़ देखो, ये खटिया है ना माधव, जरा बहुत भाई बहुत शैतान बच्चा है, यहाँ से जरा से मैं नीचे निकल जाएगा। प्रिंसी ले लो, अधिक ले लो, विदित ले लो, तीन बच्चे एक तरफ, माधव सिंगल एक तरफ। क्योंकि बोलता है बहुत खतरनाक है और मारता है बहुत खतरनाक है, चीड़ भी बहुत खतरनाक करता है, उससे मेरे को डर भी लगता है। में डर भी लगता है क्या ही बोलना है, जीड़ने वाली बात नहीं, पर मेरे को बहुत डर लगता है क्योंकि चीड़ पे आ जाता है ना तो पूजा को भी सूद देता है, जो आता सामने उसको मारना काटना सब कर देना एक बार में। ठीक है, तो फिलहाल हमारा पहलवान बैठ के यहाँ पे जो क्या दिख रहा, कड़ बक्कड़ बम्बे बो बम्बे बो बम्बे बो। और फिलहाल अधिक सर इतना बड़ा सोफा हमने आपके लिए लगाया के रखा है ना बेटा, बैठो ना नीचे बैठ के देखो बेटा, वो क्या खिड़की में से बैठ के देख रहे हो आप। और माधव भैया के सामने ऐसे काम मत करना है ना, ये तो शैतान, यहाँ तू यहाँ चढ़ रहा, वो ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। खिचड़ी माई फेवरेट, बिल्कुल करूँगा नाश्ता। ठीक है, तो फिलहाल अभी तो ये बनी नहीं बाबू यार तेरी पूरनपुली। ठीक है, तो आज क्या है बाबू? गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा है तो आज बन रहा है हमारे यहाँ पूरन पुली, चने की दाल का मीठी दाल बनाते हैं। कुछ करते हैं, उबालते हैं उसको पहले, फिर शक्कर डाल के उसको पकाते हैं। ये पका लिया, फिर इसमें आलू पराठा कैसे बनाते हैं वैसे, इसको भरते हैं बीच में, फिर आटते हैं, फिर घी में सत्ते मतलब घी में पराठे से बना देते हैं, फिर इसके ऊपर वापस घी डालते हैं, फिर खाते हैं। बहुत प्यारा सा लगता है, यदि खाना हो तो बनाना पूरन पुली और बनाए खाना। गुड़ी पड़वा के दिन बनती है सब। आपके घर बनी या नहीं बनी बताना मेरे को, क्यों आपके घर बनी कि नहीं बनी बताना मेरे को। बनी है ना? बनी है। ये हमारी कल रात की बासी खिचड़ी, और ताजी खिचड़ी जितनी ज्यादा टेस्टी नहीं लगती उससे 10 गुना ज्यादा मेरे को बासी खिचड़ी पसंद है। मतलब एक दिन पुरानी खिचड़ी को गरम करो डबल से, फिर बहुत टेस्टी लगती है। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो एडिट करते करते हम खा रहे हैं हमारी बासी खिचड़ी। ठीक है, तो फिलहाल अभी 12 बजने में, और अभी फिलहाल मैं निकल रहा था पूजा लेने के लिए। अद्विक यहाँ पे जिद्दी कर रहा है कि मेरे को बुआ के घर जाना है। देखा दी, मैं जाऊँगा बुआ के घर में भी नहीं जाऊँगा, बुआ को बाहर की बाहर बिठा के गाड़ी में लेके आऊँगा। नहीं बेटा, आप स्कूल, मैं स्कूल से आपको घर लेके आता उतने में तो नींद आती है देखो, बोले मैं नींद आ रही है, सोना है, करना है वो करना है, और 100 किलोमीटर चलना पड़ेगा अपन को बेटा बाद में। मम्मी दादी है, मम्मा जाएगी फिर चलना, अभी आप अंदर जाओ चलो। ठीक है, तो फिलहाल अभी जा रहा है, चलो देवी, सी यू मीट यू। नो बेटा, आपको नहीं, आपको बाद में लेके चलेंगे। बाय गुप्पू, तेले माधव भैया को ला लो मैं, है ना, कि माधव भैया अच्छा मस्ती करना। हाँ, वो तेको कार्ड भी लेगा पता है, इसको बजाओ, बजाओ बजाओ बजाओ, मम्मी इसको लो। ओ मम्मी इसको ले लो फिर मैं जाऊँ, मेरे छेटान बेटे को नहीं लो, नहीं तो मैं गिन कर जाएगा यहाँ छे पिस्टल पे छे। मैंने बोला था मेरा छोरा गिर जाएगा, और गिरा कि नहीं गिरा बेटा? मैं अभी उसको बोल के गई, देखो पानी ला के दे, बिस्तर पे से नीचे गिर गया मेरा छोरा, यहाँ से पेटी पे से। ओ मेरी जान, उसको भी उधर कोने में टंका के गया, मैं बस जा ही रहा था वहाँ से, मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं गिरा मेरा छोरा। नहीं बेटा, तो यहाँ इतनी ऊपर से गिरा, तेरे को देखता नहीं आता बेटा मेरा? हाँ नहीं पकड़ाता है, पता है मेरे को तो। नहीं नहीं, मैं इसलिए तो तुमको यहाँ बैठ के चिल्ला के गया था। मम्मी हाँ हाँ, बहुत ऊंचा है सोफे पे और बेड उतर जाता है सोफे पे, आदत थी वहाँ पे, खेला करता था वो 2-2 घंटे। मैं ना मम्मी को ऊपर से बोल के गया था जब मैं जा रहा था ना, बेटा है स्पेशल, मम्मी संभालो बच्चे, मम्मी आई थी, मम्मी वापस अंदर चल गए छोड़ गए, और गिर गया जोर से, लग गए इतने को टकले। अरे खुदा आएगा वो भी। चलो भैया चले, खटिया मटिया यहाँ पे भी लगा दो, नहीं तो इतने दिन बच्चे यहाँ से नीचे चल जाएंगे। माधव का डर तो मेरे को यहीं से लग रहा है भैया, इसका ये चढ़ाव गई। कल प्याज खरीद के लाए थे, प्याज खरीदने की जरूरत ही नहीं थी भैया,
ये किराएदार यहाँ पे है नहीं, इनके प्याज इतने सारे पड़े, जब भी एक प्याज की जरूरत पड़े नीचे आओ, एक प्याज उठाओ ले जाओ खा लो बस। पुंसा रानी से भी मिल लेते हैं, ओ माय ब्यूटी क्वीन। पानी डो मामा, पापा डेडा पानी डेडो। दो मोबाइल देखो, इधर से फोड़ दिया, इधर से ही फोड़ दिया, इधर से भी फूटा हुआ, इधर से फूटा, इधर से पुंसी ने सुबह सुबह से दे दनादन कर दिया। हाँ ले फेंक और फेंक जोर से फेंक, अब फेंका ना बोल चपटा चटिच कर दूंगा चुईया रानी को। लाके दे मोबाइल पापा को, लाके दे ना पापा को चुपचाप मोबाइल। अब है नी आईफोन चाहिए हमको, 14 Pro Max। हे गाइस, तो फिलहाल अभी हम जा रहे थे, फिक्स 12 बज गई है अभी। ओह शेट, पापा का टिफिन तो लेना भूल ही गया। हे गाइस, तो फिलहाल अभी निकल चुका हूँ हवा डल वाली गाड़ी के अंदर, अब टिफिन पापा को देना है और पापा को टिफिन देने के बाद में सीधा निकलना है पूजा को लेने के लिए। मादा आ जाता ना तो दिल खुश खुश गार्डन गार्डन सा हो जाता है, क्योंकि बच्चे मस्ती करते तो अच्छा भी लगता है और ज़्यादा मस्ती करते तो फिर दिमाग भी खराब होता है, मार भी खा लेते हैं बच्चे मेरे हाथ से। ठीक है, तो फिलहाल पापा का टिफिन यहाँ पे रख दिया है, पापा वहाँ पे कस्टमर है देख रहे। बहुत दिनों के बाद में दुकान पे भी आता है तो अलग अजीब अजीब सा लगता है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्या ही गाड़ी बनाई यार महिंद्रा वालों ने, सच्ची बोल रहा हूँ, मेरा तो दिल आया हुआ है थार के ऊपर, खास करके बच्चों के दिल पे, क्योंकि बच्चे ना भाई थार देख के पूरे पागल हो जाते हैं। कहीं से भी निकलेंगे, पापा होगा मम्मी हो साथ में, उनका दिमाग खा जाता है। देखो देखो थार जा रही है, देखो देखो थार जा रही है। क्या किया मिला, इच्छा मिल गया, मैं कुछ दे दिया उसको, उसके अभी तके तोड़ देगा, जोड़ो खाएगा दिया धमा दम उसने भी उसको। अद्विक की हर चीज में हिस्सा चाहिए डबल, देखो अभी भी उसी के पास जाएगा। नहीं बेटा नहीं, धक्का नहीं देना भाई को, छप दे दो दादी मेरे को। तो विदित आप भैया को क्यों रुला रहे हो, ये गंदी बात होती है ना बेटा। बस अब आपने इतनी लंबी लाइन बना ली ना, बस अब बाकी के उसको दे दो। विदित विदित देख दादी क्या बना रही, दादी घर बना रही, बाप रे इतना सुंदर, दादा गुड़ी पड़वा जी हार्दिक शुभेच्छा। बिल्कुल आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, और जुग जुग जियो, जुग जुग रहो, खुशी से रहो, आनंद से रहो। चलो बैठो गाइस, तो हमारे यहाँ तो ये रस्म नहीं होती है, पर ये सामने जो लोग रहते हैं ना, ये लोग ये महाराष्ट्रीय है, तो इन्होंने गुड़ी पड़वा की ये जो भी किसको कहते हैं वो किया है। जाओ बेटा जाओ ऊपर जाओ, अभी पलंग पे से गिरे थे, पापा ने हमको चिल्लाया, अब वहाँ से गिरेगा फिर तेरे पापा हमको मारेंगे। बड़वानी आ गया, 2:30 बजने में आ गई है। बड़वानी से कौन कौन हमारे वीडियो देखता है एक बार कमेंट्स के अंदर जरूर बता देना मेरे को। बड़वानी में हमेशा मैं आता हूँ और हमेशा बड़वानी से जाता हूँ, तो पब्लिक बहुत सी बोलती भी है। एक बार कमेंट करके जरूर बताओ कौन कौन देखता है मेरे वीडियो बड़वानी से, तो फिर हो सकेगा तो बड़वानी आएंगे तो एक मीटर मीटर रख लेंगे यहाँ पे। बड़वानी की छोटी छोटी गलियों में लग जाएगी भैया ठेला, देखना हमारी गाड़ी पे ठेला लगा तो हम तुमको लगा देंगे भैया। जरा सी गली है उसमें भी लोगों बीच रोड पे सब माल पानी बना रहे हैं। ठीक है, तो फिलहाल माधव को लेने के लिए आ गए थे और माधव के बाल देखो गए एक बार। माधव बाल बता, मम्मी को हर बोलना हटा, उसके पूरे बाल कटवा दिए। ठीक है, तो फिलहाल आए, इधर खाना भी मिल गया है। माधव इधर तो आओ मेरे पास, तो इधर घूम के आओ, अभी रहने दे, अच्छे लग रहा है अभी, उसके स्कूल में चालू हो रहे हैं इसलिए बाल माल कटवा दिए। फिलहाल माधव हमारे साथ 5-6 दिन तो हमारे घर रहेगा, क्यों माधव अच्छा लग रहा है। जल्दी बता मम्मा अच्छी लग रही कि बुआ, नहीं सही सही बताओ, जल्दी बताओ। बुआ थैंक यू, बुआ से डेरी मिल्क मिलती है इसलिए। हे गाइस, तो फिलहाल अभी सीतू दीदी और मैं सेम साड़ी पहन के इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि हम दोनों को बनानी है रील्स। हे गाइस, तो फिलहाल अभी धूप इतनी सॉलिड तरीके से पड़ रही ना कि यहाँ पे मिर्ची इमली ये सब तो सूख गए, उनके साथ में सीतू दीदी मैं और हमारा जो सामने डुग्गू रहता है वो भी सूख गया, क्योंकि इतनी कड़क धूप में हम लोगों ने नंगे पैर यहाँ पर वीडियोस बनाए रील्स, और वीडियोस बहुत फनी बने हैं। बहुत टाइम के बाद हम लोगों ने ऐसे वीडियोस बनाए, बहुत मजा आया, एकदम दिल खोल के हंसे हम लोग ऐसे वीडियोस बनाए। क्या कर रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने इधर उधर खेल रहे।
चुईया जैसी आ गई वो पापा बेचारी छोरी को कुचल दिया बेटा सही में पता चल गया तू चुईया ही है उसको देखो आधे बीजे कैसा देख रहा अच्छा वो भाई में खटिया के नीचे था ये तो बुआ तो मेले ऊपर भी चल देती बेटा तेली मम्मा तेले ऊपर चल दी मत चला कर। चलो माधव बाय माधव बाय बाय माधव रुक जा उसको गोद में लो ना वो बाय करेगा माधव बाय मामा बाय चलो बाय अरे नहीं जाते अपन बाय मैं जा रही मामा के घर चला आ जा आ जा आ जा चला गोदी में बैठ चल ए नहीं मारना बेटा काकू को बोल दे गंदी बात ये ना मैं अभी दो तीन दिन में ना दूंगा बाय कर दो बाय कर दे अब तो बाय अरे उधर पापा को बाय जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा मिस यू बोल दे मिस यू मिस यू बाय सर जय श्री कृष्णा जी जी हे गाइस तो फिलहाल अभी बड़वानी से निकल चुके हम क्यों माधव माधव ये किसका गांव है किस माधव का है वाह यार माधव ठीक है तो फिलहाल ये रहा हम ये बड़वानी का आई लव बड़वानी है यहाँ पे साढ़े तीन साढ़े चार साढ़े पाँच छह बजे तक पहुँच जाएंगे जब तक ये चश्मा टूट के पूरा खत्म भी हो जाएगा है ना माधव है ना हाँ हाँ बोल दिया इसने चलो कुछ लोग तो ना देखने बाद में अंधे बन के कर चलते हैं देख लिया फिर भी अंधा बन के इधर देख लिया गाड़ी आ रही फिर भी सामने मुंह करा निकाल लो गाड़ी कहीं होगा तो ये गाड़ी वाला बड़ी गाड़ी वाला भरेगा अपने क्या जा रहा है कैमरे सामने हुआ ना कैमरा यदि बाई चांस होता बंद रहता तो भी अपने ऊपर आता चलो कोई दिक्कत नहीं फिक्स आ गया भी घर और माधव सो गया भैया माधव ने अभी सो लेगा फिर रात में एक बजे तक नहीं सोता है वो पूछा वाले यदि अभी सो लिया ना वो फिर रात में नहीं सोएगा पर उसको उठा भी नहीं सकते हम क्योंकि उसको बार बार उठा रहे परेशान कर रहे चलो अब पाँच मिनट में घर ही पहुँच जाएगा वहीं पर उठेगा और अद्विक विदित और पोंसा रानी इनके साथ मस्ती करेगा तो फिलहाल ले आए पूजा को घर पे अब ये माधव का पूजा देख माधव का यहाँ से ध्यान रखना जो खटिया हट रही ना ये खटिया पे हट ध्यान रखना नहीं तो मैं बोल रहा हूँ तेरे को ये जाली अंदर से लगाना थी क्यों यहाँ से भी चढ़ जाएगा ये तो चढ़े तेरी बुआ आ गई अधिक अधिक बुआ को लेके आया बेटा चल माधव आ गया माधव विदित कहाँ है सोया है नानी घर सोया है घूमने किसके साथ काना साथ क्यों माधव नानी को बता देते बाल कटवा लिए मैंने सुंदर दिख रहा है क्यों मामा ने भले कल एक थी मामा ने कटाया तो मैंने भी कटवा ले बोल दे मामा जी अच्छा हूँ मैं भी मामा ने बाल कटवाया तो मैंने भी कटवा लिया सात छः से सात दिन तक अपन को इसी घर में रहना है यहीं की प्लेटफॉर्म पे रहना है ठीक है यही फ्लोर पे ये मस्ती करेंगे अब देखो लड़े सब कुछ ठीक है काटना मत मारना मत है ना बता रहा हूँ वाओ माधव छो क्यूट हे गाइस तो फिलहाल अभी माधव और ये देखो यहाँ दोनों खड़े मैं इन दोनों को एक चीज़ समझा रहा हूँ अभी दोनों जितनी प्यार से रह रहे हो ना भाइयों वैसे प्यार से रहना अभी माधव ने क्या अधिक ने क्या करा माधव को लेके आया आजा माधव आजा फिर जो उसके जो सैंडल पहना सैंडल प्यार से निकाले तो इनको देख के मेरे को भी ये लग रहा है अभी एक घंटा देखो गारंटी के साथ बता रहा हूँ अभी 6 बज रही है 7 बजे के बीच बीच में ही और 7 बजे बाद फाइट होएगी और दोनों में लड़े चालू 7 बजे बाद में फिर 5 दिन तक लड़े रहेंगे चालू रहेंगे एक राउंड हो जाएगा ये दोनों में सचिन बहुत लड़ाई चालू होती है अभी एक घंटे के अंदर लड़ाई चालू हो जाएगी अभी विदित को आंदो पोंसा रानी को आंदो धूमधाम चालू एक आधा गाड़ियाँ बिठाना पड़ेगा ये गाड़ी ये बैठेगा अभी आया ना जय कहाँ से जबलपुर जबलपुर से
हमने जबलपुर से गार्ड बुलाया है, दिन भर कुर्सी लगा के यहाँ बैठे रहेगा ये गार्ड। क्यों माधव? ये माधवी माधव तेरे गाल लाल हो तो तेरी माँ को बोल देना हो मामी ने मारा। माधव 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 कौन हूँ मैं पहले ये बता। भाभी की मामी। वाह यार तू तो आज मेरी मैचिंग पहना है, देखा मेरे छोरे को। एक बच्चा भी नहीं, एक दो तीन चार चार और चारों बदमाश है भैया। वो तो मोबाइल चलाने में लगा पड़ा है, ये हाथी चला रहा, ये दोनों खेल रहे। अरे ब्यूटी क्वीन आज मेरे पास रह रही है ना, ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी क्वीन मामा पिंची, और मेरी पिंची चलने भी छिक गई है। हे गाइस, तो फिलहाल अभी 8:55 और अभी जस्ट खाना खाने के लिए बैठ रहे हम। फिलहाल यहाँ पे खाना लग रहा है, इधर अदिति पूरन पूली गर्म कर रही है। माधवी, ए माधवी खाएगा बेटा पूरन पूली? खाना है कौवा खाना है कि खाना है कौवा? ए नहीं खाना है कौवा ये।